हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपको एक पेंट प्लाजो बनाना बताऊंगी। बड़े साइज़ के तो मैंने बहुत सारे पेंट प्लाजो बनाए हैं, और ये मैं एक स्मॉल साइज़ में बताऊंगी। जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो एकदम पतली पतली लड़कियां होती हैं और बहुत लंबी होती हैं, ठीक है ना। लेंथ तो उनकी पूरी बढ़ जाती है, लेकिन वो हेल्थ में नहीं बढ़ पाती। तो इन लोगों के पेंट प्लाजो बनाने में बहुत दिक्कत होती है। अब अगर आप लेगिंग पहना दो तो वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल एकदम पतली पतली टांगे लगती हैं। तो देखिए, अब हम ये जो बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सुंदर। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए, ये मेरे पास 60 विड्थ का कपड़ा था, जिसमें से मैंने सूट निकाल लिया है। इसी का सूट भी दिखाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में इसका सूट आएगा, तो वो मैं अपने लर्न विद किरण मेहता पे नहीं डालूंगी। मैं किरण मेहता चैनल पे उसकी वीडियो अपलोड करूंगी, तो आप लोग वहाँ देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दूंगी। बहुत ही सुंदर कुर्ती बनी है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो ये मेरे जो शर्ट बनाने के बाद पूरा साइड से जो कपड़ा बचा, उस पूरे कपड़े को मैंने फोल्ड कर लिया, ठीक है ना। फोल्ड करने के बाद अब हम इसकी लेंथ लेंगे। तो देखो, मेरे सूट की जो लेंथ थी वो 43 थी, तो मैंने 46 इंच का ये अभी टोटल कपड़ा है। तो अब हमारे को जो पेंट प्लाजो की साइज़ रखनी है एंकल लेंथ, तो 35 हमने लिया, और 3 इंच जो है ये फोल्डिंग के लिए लिया है। हिप साइज़ इसकी 32 है, 32 को 4 से डिवाइड किया और प्लस 2 किया, तो 8 + 2 = 10 हमने यहाँ ले लिया। तो यहाँ पे हमने जो पूरा 10 लिया, 10 में ही हमने 2.5 पीछे कर दिया हमने, ठीक है ना। बाकियों में तो हम आगे बढ़ा के रखते, लेकिन इसमें हमने 2.5 पीछे किया। पहले 10 लिया, फिर 2.5 पीछे चले गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर 1.5 की एक शेप डालेंगे, जिसे हम जहाँ हमारा क्रॉच लाइन है यहाँ तक इस लाइन से तिरछा मिला देंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब 11 इंच की इसकी बॉटम है, तो 5.5 हमने ले लिया। अब इस जगह का मैंने हाफ किया, ठीक। 14 इसकी नी है, तो उसका हाफ मैंने 7 ले लिया। तो ये देखिए, अब मैं जितना ले रही हूँ, आप ज़रूरी नहीं उतना ले, आप अपने साइज से लेना। 19 इसकी थाई है, तो मैंने 9.5 लिया, और लेके मैंने ऐसे करके शेप बना दिया, ये देखिए, ठीक है। अब हम इसे कट कर लेते हैं, पहले ऊपर से अलग कर लेंगे और फिर इसको कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाना है जब आप पतली और लंबी लड़की का बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे आपको लगता है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। आजकल वैसे होते तो नहीं है, लेकिन सब तरह के साइज़ तो मैंने कवर कर रखे थे। ये एक अनोखा साइज़ आया था, तो मैंने सोचा इसको भी आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, मैम आप मोटे लोगों का बताते हो, पतलों का भी बताओ। चलिए अब हम देखिए, इसको हम यहाँ से इसकी क्रॉच लाइन ये कटिंग कर लेंगे। इसमें बैक साइड और फ्रंट जो है इक्वल रहेगा, ठीक है। अब हम इस कपड़े को ऐसे रखेंगे, और रखने के बाद अब हम इसमें ये वाला जो हमने फ्रंट पोर्शन काटा है, इस पोर्शन को रख लेंगे। तो देखिए, इसमें मैंने बेसिकली आपको कटिंग दिखाया है। सिलने का तरीका तो मैंने इतने सारे, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि 100 के आसपास मैं वीडियोस अब तक डाल चुकी हूँ पेंट प्लाजो की। तो अब देखिए, ऊपर की तरफ हमने 2 इंच एक्स्ट्रा किया, और करने के बाद ये देखिए, ऐसे करने के बाद अब हमने जिधर हमारा क्रॉच लाइन है, इधर कुछ नहीं करना, इधर तो हमें बिल्कुल पूरा पूरा लेना है, ठीक। और बाहरी साइड देखो, यहाँ हमें कुछ नहीं करना, इस साइड पे हमें 1.5 से लेके 2 इंच तक बढ़ाना है, तो नीचे 1 इंच लेना है, ठीक है। अभी मैंने 1.5 बढ़ाया, ज़्यादा नहीं बढ़ाया, और लेके बस मैं इसको ऐसे मिलाऊंगी और कटिंग कर लूँगी। ऊपर की तरफ हमने इसको बैक लेंथ में 2 इंच एक्स्ट्रा किया, लेकिन वो फोल्ड हो जाएगा, चलिए। अब हम इसको भी कट कर लेते हैं पूरा, और फिर फ्रेंड्स इसमें पॉकेट, हम इसकी पॉकेट भी लगाएंगे और इसमें चेन भी लगाएंगे, तो जो ये इस तरह के साइज हों, तो इनमें हमेशा इनके सूट में बैक साइड में चेन लगनी चाहिए, और जो पेंट प्लाजो बनाओगे तो इसमें भी पॉकेट लगना ज़रूरी है और चेन लगना भी ज़रूरी है,
तो ये देखिए, अब हमने इसकी जो नीचे की फोल्डिंग है इसे फोल्ड किया, और करने के बाद यहाँ पे एक कट लगा लेंगे, सिर्फ फ्रंट पार्ट में लगाएंगे, बैक पार्ट उसी के अकॉर्डिंग बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कट आएगा, अब देखिए हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें इसकी जो वेस्ट साइज है वो लेनी है। तो यहाँ देखिए हमारे पास ये एक इंच के आसपास एक्स्ट्रा आ रहा है इसकी वेस्ट साइज से, 29 वेस्ट साइज है, तो ये लगभग एक इंच के आसपास एक्स्ट्रा आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके मिडिल में एक निशान लगाएंगे पूरे कपड़े के, और इसमें एक इंच की हम प्लेट डाल देंगे, जो एक इंच एक्स्ट्रा आ रहा था उसकी प्लेट डाल देंगे। प्लेट की लेंथ 4.5 लेंगे, ये देखिए, ठीक है। तो अब जितना एक्स्ट्रा था उसकी हमने प्लेट डाल दी, यानी वेस्ट साइज से बिल्कुल सही हो गया। अब यहाँ पे हम एक साइड चेन लगाएंगे, एक साइड पॉकेट लगाएंगे, तो उसका भी हमने निशान लगा लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने हाफ इंच और इधर भी हाफ इंच लेके एक, ये देखिए ऐसे करके कौन सा बना देंगे, ये सिर्फ आपको इसी साइज में करना है, जो पतली और लंबी लड़कियां होती हैं स्मॉल साइज में, एक एक्स्ट्रा स्मॉल होता है एक स्मॉल साइज, तो एक्स्ट्रा स्मॉल में आप ये शेप डालना, ये देखिए ये शेप डालनी है, ठीक है। तो इसकी हम प्लेट डालेंगे और एक साइड चेन और एक साइड पॉकेट लगाएंगे, और अब हम इसको सिलना शुरू करेंगे, ठीक है। सिलने की मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दूंगी, तो एक मैंने अपलोड कर रखी है सिगरेट पैंट, तो मैं उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, बिल्कुल सेम वैसा ही सिलेगा। तो सबसे पहले हम इसके आसन सिलेंगे, तो देखिए इसमें मैं लाइनिंग भी लगाऊंगी, तो मैं लाइनिंग इसकी अटैच कर लूंगी इसके साथ पहले ही, ठीक है, और फिर हम इसे सिलेंगे। चलिए अब देखिए मैंने लाइनिंग अटैच कर लिया है और मैंने इसकी आसन मैंने जोड़ लिए हैं। अभी मेरी इसकी सिलनी साइडें रह गई हैं, पॉकेट है, चेन है, वो सब रह गया है। तो देखिए प्लेटें मैंने डाल ली हैं, और अब देखो ऊपर से बिल्कुल ठीक हो गया ना। अब हमें अपना देखना है वेस्ट साइज कितना है, तो वेस्ट साइज बिल्कुल पूरा आया है। अब हमें इसके लिए एक पट्टी काटनी है, तो यहाँ से हमारी पट्टी निकल जाएगी। तो इसकी जो पट्टी की जो मैं हाइट लूँगी 4 इंच की लूँगी, और जब मैं इसे फोल्ड करके डालूँगी ना, डबल फोल्ड करके, बुकरम इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि इस कपड़े में हमारे को ज़रूरत नहीं है बुकरम की, और बुकरम तो डालनी भी नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट कपड़े को ही डबल करके डाल दो। जैसे मुझे 2 इंच का चाहिए था तो मैंने 4 इंच का कपड़ा ले लिया। अब मैं इसे उल्टी तरफ से पलटूँगी और सीधी तरफ ले जाऊँगी, ठीक है। तो अभी बेल्ट लगा के, पॉकेट और चेन लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारा सिल दिया है, बीच का कट भी मैंने आपको दिखाया था, ये सब मैं सिलना सिखा चुकी हूँ, इसलिए मैंने नहीं बताया है, क्योंकि फिर वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं, और क्या होता है कि जो लोग सीखे हुए होते हैं वो स्किप कर करके आगे देखने लगते हैं। तो इसलिए आप मेरी वीडियोस देख लेना, मैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी, सारा सिलना सिखाया है, जो डिफरेंट था वो मैंने इस वीडियो में आपको दिखा दिया है। अब क्या है कि ये देखिए, इसको हम फिटिंग के अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हम दूसरी तरफ भी ले जाएंगे, ये देखिए, ठीक है, और बस इस पर सिलाई लगा देंगे। अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ, फाइनल लुक इसका बहुत ही सुंदर बनेगा। और ये जो कपड़ा है ना, इसमें से पीछे की तरफ अगर एक्स्ट्रा हो तो आप उसे कट कर देना, और फिर बाकी ऐसे फोल्ड करके बस इसमें इलास्टिक डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बन के हमारी पेंट रेडी हो गई है, और आप देखो बेल्ट कितनी अच्छी आई है, ये देखिए, और पीछे हमने इसमें इलास्टिक डाला है, साइड में इसके चेन लगाई है, ये देखिए चेन लग गई है, ऊपर मैं एक हुक लगा दूंगी अभी, ठीक है। एक साइड इसके में पॉकेट है, और ये देखिए पॉकेट भी ना बड़ी ना छोटी, और ये देखिए यहाँ पे इसके कट्स डले हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, एकदम प्रॉपर, बिल्कुल जब आप अपनी बेटी की बनाएंगे ना, देख के खुश हो जाएगी आपकी बेटी। तो ये देखिए, अब ये जब बन गई है पूरी, तो मैं यहाँ पे इसके जो जहाँ मैंने कट लगाया है ना, यहाँ पे मैं इसके 3 बटन लगा दूँगी, 3-4 जितने भी लगाने हो आप अपने हिसाब से लगा लेना, ठीक है ना। चलिए
तो और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, और अगर कुछ अच्छा ना लगे तो भी कमेंट करना, ताकि मेरे को पता रहे कि मेरे व्यूवर्स क्या चाहते हैं, ठीक है ना। अच्छा लगे तो शेयर करना, और आप लोग वीडियो देख लेते हो, मैंने देखा है कि देख लेते हैं लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हो, तो प्लीज़ शेयर करो, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं नई नई वीडियोज़ आपके लिए लेके आती हूँ। तो हमारा पेंट प्लाजो बन के रेडी हो गया है।